तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। मोस्ट मच अवेटेड म्यूजिकल रोमांस से भरी मूवी सत्य प्रेम की कथा कल अपना पांचवा दिन कंप्लीट करके आज छठे दिन में एंट्री मान ली है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को ये चटपटी फुल ऑफ रोमांस से भरी मूवी और कार्तिक और क्यारा की ये जोड़ी काफी पसंद आ रही है। भुलभुलैया 2 के बाद जैसा ट्रेंड इन दोनों को लेकर चला था भुलभुलैया में, सेम ट्रेंड सेम वाइब अभी भी देखने को मिल रहा है। तो आज जानेंगे कि मूवी टोटल कितनी कमाई कर चुकी है, पहले दिन कितना कमाया, टोटल कितनी कमाई कर सकती है, पब्लिक की तरफ से कैसे रिव्यू मिल रहे हैं फिल्म को, जनता को ये फिल्म पसंद आ भी रही है या नहीं, मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी कार्तिक और क्यारा आडवाणी के डाई हार्ड फैन हैं तब, और मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म की, तो आपको भर के ड्रामा मिलने वाला है, रोमांस मिलने वाला है और कार्तिक भाई की तरफ से दबा के फ्लर्ट्स मिलने वाला है। साथ ही फिल्म के सॉन्ग्स इसने पब्लिक के दिलो दिमाग में पहले ही अलग लेवल का हाइप सेट करके रखा है, जो रोज एक्साइटमेंट का तड़का लगाया जा रहा था और पब्लिक को थिएटर तक लाने में मजबूर भी कर रहा था। ये दोस्तों मूवी में समटाइम आपको ढेर सारा कॉमेडी देखने को मिलेगा, तो समटाइम ढेर सारा इमोशनल ड्रामा। इसी के साथ कार्तिक का वॉइस चार्मिंग लुक देखने को मिलेगा और कॉमिक टाइमिंग तो क्या कमाल की डिलीवर करेगी ये कार्तिक की तरफ से। साथ ही क्यारा आडवाणी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, जितनी खूबसूरती ये दिखती हैं उतनी ही खूबसूरती से इन्होंने अपना किरदार भी निभाया है। यह दोस्तों 60 करोड़ के टोटल खर्चे पर बनने वाली सत्य प्रेम की कथा समीर विध्वंस के डायरेक्शन में लव रोमांटिक एंड फुल ड्रामा मसालेदार तड़के से सजाई गई एक बेहतरीन जबरदस्त फिल्म है। जी दोस्तों, लगभग 2200 स्क्रीन पर इस फिल्म को रिलीज कराया गया था और नाडियाड वाला ग्रैंडसन्स के द्वारा इस फिल्म में पैसा खर्चा गया है, जिसके मेन लीड पर सबका दिल जीतते हुए कार्तिक आर्यन और क्यारा आडवाणी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट में आपको राजपाल यादव, गजराज राव और सुप्रिया पाठक जैसे दिग्गज स्टार भी नजर आने वाले हैं। बात करें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों अपने पहले दिन ऑल इंडिया ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 10.5 करोड़ के आसपास रहा और पूरी दुनिया से लगभग 15 करोड़ के आसपास। दूसरे दिन ऑल ओवर इंडिया से 7 करोड़ और पूरी दुनिया से 10 करोड़। तीसरे दिन लगभग 10.5 करोड़ का कलेक्शन करा था और चौथे दिन भी ग्रोथ अच्छी खासी करते हुए पहले 4 दिन के वीकेंड में ही 38.60 करोड़ तक का होल्ड देखने को मिला था। बात करें कल्याणी, अपने 5वें दिन में तो ह्यूज डाउनफॉल देखने को मिला और लगभग 4.5 करोड़ के आसपास ही होल्ड करते नजर आई थी फिल्म अपने पहले सोमवार में। और कल्याणी अपने 5वें दिन तक लगभग 43 करोड़ का कलेक्शन देखने को मिला था एंड ऑफ द डे तक। बात करें आज यानी 6वें दिन में कैसी ग्रोथ है, तो यस मॉर्निंग से ही आज भी कल की तरह स्लो डाउन नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। कल की तरह सेम ट्रेंड करते हुए एंड ऑफ द डे तक ऑल ओवर इंडिया से लगभग 4 करोड़ के आसपास होल्ड करते नजर आ रही है। इसी के साथ अपने 6वें दिन तक इंडिया से 46 करोड़ से लेकर 47 करोड़ के आंकड़े के आसपास नजर आएगा और पूरी दुनिया से 60 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर सकती है। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है मूवी हिट जाएगी या फ्लॉप और 100 करोड़ कमा भी पाएगी या नहीं। दूसरा, कार्तिक और क्यारा की ये जोड़ी आप लोगों को कैसी लगी, फटाफट अपनी राय और एक्सपीरियंस कॉमेंट से जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।